नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं दौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। एक और जहां दुनिया भर में कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर हर खासोआम चिंतित है, तो मैं राकेश शर्मा यहां गोनेडा चेक पोस्ट से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा लगती है और यहां पर स्थानीय जो पुलिस है, पनियाला पुलिस है, उसने चौकी स्थापित की है। यहां गोनेडा के साथ साथ एक देवता गांव और है, जो वो भी कहीं हरियाणा से निकलते हैं और राजस्थान की सीमा को टच करता है। ये जो चेक पोस्ट बनाई गई है, चेक पोस्ट पर नहीं है, इसका भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका गया है। और यदि कोई निजी वाहन से भी आ रहा है और कह रहा है कि संदिग्ध है, तो उसे भी समझाइश करके और उसे वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ जो CSC है, CSC के भी कुछ लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले व्यक्ति की केस हिस्ट्री का पता किया जाए। कुछ सिम्टम्स यदि ऐसे नज़र आते हैं तो उन्हें स्थानीय BDM हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहरहाल अभी जो जानकारी मिली है वो यही है कि हरियाणा से लगती हुई गोनेडा और देवता में दो चेक पोस्ट बनाई गई हैं। तो उधर अलवर से आने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बांसूर में एक चेक पोस्ट बनाई जा रही है। तो दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकने के लिए अभी शाजापुर या निमराना के पास एक चेक पोस्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। चतुर्भुज में भी एक चेक पोस्ट बनाया जाना भी प्रस्तावित है। संभवतः अभी आधा से पौन घंटे के अंतर्गत वो चेक पोस्ट चालू हो जाएगी। देखना यह है कि जिस तरह से पब्लिक को अवेयर करने में हर एक व्यक्ति अपना अपनी भूमिका निभा रहा है, ये चेक पोस्ट भी काफ़ी हद तक एक तरह से कोरोना को चैन बनाने में कामयाब नहीं होने देगी, यानी उस चैन को रोकने में ये बहुत बड़ी एक कारगर सिद्ध होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि यदि कनेक्टिविटी किसी तरह से हम रोक पाते हैं, लोगों को अपने घरों तक सीमित कर पाते हैं, तो संभवतः हम इस महामारी से एक बड़ी राहत प्राप्त कर सकते हैं। अनावश्यक मत घूमो, दो चार दिन नाम देशराज है सर। मैं पुलिस थाना पनियाला से कॉन्स्टेबल पद पर यहाँ तैनात हूँ, हमारी ड्यूटी लगी है। राजी, ये जो चेक पोस्ट बनाई गई है, इस चेक पोस्ट पे किस तरह की चेकिंग चल रही है? सर, जो अपने हरियाणा सीमा नज़दीक हमारे उधर से आते हैं, उनको समझाइश करके वापस भेज रहे हैं। जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोड पर आते हैं, किसी बहाना लेके उनको समझाइश कर वापस घरों में भेजने की हिदायत दे रहे हैं, ताकि अपने घरों पर, ताकि ये कोरोना वाली जो बीमारी है, महामारी अधिक ना फैले, उनको समझाइश कर रहे हैं बार बार, ये हिदायत दे के। तो इसी चीज़ की हमने ऑर्डर सील कर रखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक रहे हैं सर। को लेकर के ये चेक पोस्ट पे, क्योंकि सीमा लगती है हरियाणा की, है यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है, सस्पेक्टेड केस तो नहीं आ जा रहा है, तो किस तरह की चेकिंग आप कर रहे हैं, पेशेंट की पहचान कैसे कर रहे हैं? सर, गाड़ी आ रही है, उसमें पूछते हैं कि भाई कोई उनके फैमिली में या उनका कोई बाहर से, कोई विदेश से, फोर्ट से कोई हिस्ट्री तो नहीं है, पिछले 15-20 दिन में कोई बाहर से तो नहीं आया, या उनको अभी कुछ ऐसा कोई बुखार का कोई सिम्टम्स है तो उनको फोर्ट तो नहीं आया। अभी कोई ऐसा आया जिसको? सर, कोई नहीं। इधर ले लेना लेफ्ट में, रुको। हाँ, चेक कर लो नाम पते, पूछो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे।
रही है क्या? वापस नहीं आना है बॉर्डर से, इधर जाने के बाद हाँ बॉर्डर से इधर वापस नहीं आना, तो सेफ्टी यूज करो ठीक है, लगाओ इनको पार्क में रखा चाहिए। चौक की चतुर्भुज पर मैं हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हूँ, मेरे पास 3 कॉन्स्टेबल हैं। हमने कल से ही अधिकारियों के आदेश से नाकाबंदी लगा रखी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और अलवर साइड से आने वाले को नहीं आने दे रहे हैं, बाकी छोटी गाड़ियों को पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, जिसको ज़रूरी काम होता है तो उसको जाने देते हैं, ऐसा कोई केस नहीं आया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप रोक रहे हैं और जो पर्सनल गाड़ी आ रही है क्या उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा सस्पेक्टेड पर्सन उसमें नहीं है? जी सर, पर्सनल गाड़ी को चेक कर रहे हैं, उसमें आने जाने वाले किस काम जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और जरूरी काम होता है तो सब जान लेते हैं। थोड़ा सा टाइट करना चाहिए प्रशासन को भी, वैसे पब्लिक काफ़ी समझदार है, सहयोग कर रही है इस चीज़ में, लेकिन सख्ती ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू। मैं राकेश शर्मा के चतुर्भुज पुलिस चौकी के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ हमने हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह से अभी बात की है। उन्होंने बताया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ जो अलवर से ट्रांसपोर्टेशन जो इधर जयपुर की तरफ आ रहा है, इवन कोटपुतली को टच कर रहा है, उसे वो रोक रहे हैं और बाकी जो निजी वाहनों में भी एक से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं उन लोगों से भी उनकी केस हिस्ट्री पूछा जा रहा है, कोई पेशेंट तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं है, और बेवजह जो लोग अक्सर तफरी करने चले आते हैं उन लोगों को भी ये वापस समझाइश के जरिए भेज रहे हैं। बाकी जैसा कि अभी कांस्टेबल ईश्वर सिंह ने बताया कि भाई सख्ती बहुत ज़रूरी है, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समझाइश करना बड़ा मुश्किल है और वो हालात का जायज़ा ले रहे, कई बार घर से बाहर निकल आते हैं, इसलिए उन्हें अपने घरों में ही रहना चाहिए, बेवजह सड़कों पे नहीं आना चाहिए। जब तक वो पब्लिक जो है वो प्रशासन का सहयोग नहीं करेगी तब तक कोरोना की चेन को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होगा। सावधानी ही बचाव है, ये मैसेज भी सभी लोगों को करते हुए।